अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव, जो कि आपके रेगुलर पुलाव से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन लाएंगे, हम वेजिटेबल्स के साथ साथ थोड़ा सा मीट टच भी देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने दो लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, आलू, और उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 500 ग्राम्स मटर हैं, और इनको आप अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिए। और तीन मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, और इनको मैंने पील के साथ ही काटा है। और 8 से 10 चिकन कोफ्ता मेरे पास अवेलेबल है, और इसको मैंने क्यूब्स में जो है वो कट कर लिया है, और इसकी शक्ल जो है वो इस तरह से आ जाएगी। आप अगर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन चंक्स यूज़ कर सकते हैं, और बोनलेस चिकन लेके उसको बॉईल करके आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। तो सबसे पहले हम फ्राइंग करेंगे। उसमें मैंने दो मीडियम साइज़ के जो हैं वो अनियंस लिए हैं, और उसको आपको गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के साथ साथ सबसे पहले जो यहाँ पे हम चीज़ ऐड करेंगे वो है मटर, क्योंकि मटर जो है वो पकने में एज़ कम्पेयर आलू जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले हम मटर को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको प्याज के साथ ही जो है वो फ्राई कर रहे हैं। कलर जो है इसके बहुत फ्रेश आपको लगेंगे, और क्योंकि जब तक आप इसे खुले पैन में पकाते हैं तो कलर्स ख़राब नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि इसे ढांपिएगा नहीं जब तक आपने मटर डाले हुए हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ, क्योंकि मटर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50% तक पक चुके होते हैं। तो अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, और इसको हम साथ साथ जो है वो फ्राई करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई मसाले जो हैं वो शामिल नहीं किए। आप इसको आलू के साथ फ्राई करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसमें जो कोफ्ता चंक्स आप कह लें वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। 1 टीस्पून जो है वो भर के मैंने सॉल्ट का डाला है। ये एज़ पर टेस्ट होता है, कम लगे तो ज़्यादा कर लीजिए। सूखा धनिया पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, वो भी 1 टीस्पून है और फुल है। इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ही है हल्दी का पाउडर मेरे पास, वो मैं यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल मसाले हैं, कोई फैंसी मसाले हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ और कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा है, उसको मैं शामिल करूँगी। इसमें रेड चिली पाउडर है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस में ज़्यादा नहीं होती वो। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हैं कितने फ्रेश, जितने वेजिटेबल्स में होने चाहिए, अट्रैक्टिव लगे आपका खाना, तो वो आपको सब नज़र आ रहा है। कलर्स उसके कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अब हम यहाँ पे जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। रेड कलर आपकी जो है वो वेजिटेबल्स में ऐड हो गया है। आप चाहें तो कैरेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी यूज़ कर सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसी कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं, और इसको हम अच्छे से जो है वो साथ साथ भूनते जा रहे हैं, वो पकता जा रहा है साथ साथ सामान, और जितना भी खाने पीने का हमने इसमें डाला है। और ये है जनाब हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि है चिकन पाउडर, वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। और यहाँ पे मैंने जूलियन कट जिंजर ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ 1 किलो मेरे पास राइस हैं, तो 1 kg से कम ही हमने पानी रखा है। और जब आप पानी ऐड कर दें तो इसमें आपको लाल जो हरी मिर्च जो होती है, सॉरी जो पेपरकॉर्न्स होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो सिनेमन स्टिक डाली है, और इसको आप बॉयल आएगा तो हम इसमें जो है वो राइस डालेंगे। इसको मैंने पानी में डिप कर दिया था 10 मिनट के लिए, वॉश करके चावलों को, और अब हमने इसमें राइस डाल दिए हैं, और वेट करेंगे जैसे जैसे पानी ड्राई हो जाता है, फिर हम इसे जो है वो दम के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं, गरम मसाला जो है दम करने से पहले आपको जो है वो ऐड करना है इसके ऊपर, खुशबू के लिए और जायके के लिए, और रुमाल के साथ आपको इसको कवर करना है, और 10 मिनट तक आपको इसको दम देना है, और आपका पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसे शामी कबाब के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।